ओके सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने बेसिकली क्लासिफायर को यूज किया था वोटिंग हार्ड के साथ। अब हम यही काम करेंगे एग्जैक्टली, लेकिन सॉफ्ट वोटिंग के साथ। ठीक है, सॉफ्ट वोटिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, डिसीजन ट्री क्लासिफायर को हटा देता हूँ ताकि जरा सिंपल हो जाए चीजें, ताकि वोटिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझे। इसको मैं CLF 3 कर देता हूँ। वहां पर मुझे 3 रखना जरूरी थे क्योंकि कम से कम 2 की बेस पे 1 वोट होगा। 3 में से अगर मैं सिर्फ अगर 2 रखता तो एक और एक क्या लॉजिक होती वोटिंग की। फिर ये कि 3 रखने से ये हुआ कि अगर 2 लोग कह दें कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माना जाएगा 3 में से, इसलिए मैंने 3 रखे थे। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वोटिंग के लिए डिसीजन ट्री तो मैंने हटा दिया, तो मुझे वो यहाँ से भी ऑब्वियसली हटाना पड़ेगा। ठीक होगा, तो यहाँ पर मेरे पास वोटिंग हार्ड थी। अब मैं कहता हूँ नहीं भाई, मेरी वोटिंग जो है वो सॉफ्ट है। ठीक है, सॉफ्ट वोटिंग आई मेरे पास, लेकिन मैं साथ ही साथ कुछ चाहता भी हूँ। चाहता मैं ये हूँ कि आपने देखा था कि मेरा जो CLF 1 है उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं थी, CLF 2 जो KNN था उसकी एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर थी एज कम्पेयर टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कह दूंगा भाई मेरे लिए जो वेट्स है ना उसमें आप इस तरह करो, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसको 1 अहमियत दो, जबकि जो KNN है उसको 4 टाइम्स ज्यादा दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेट्स है 1 को, जो पहली क्लास जो पहले वाला है CLF 1 उसको ये 1 अहमियत देगा, और जो दूसरे वाला है CLF 2 उसको ये 4 टाइम ज्यादा अहमियत देगा, क्योंकि किसके रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये करते हैं। अच्छा, लेकिन ओके, वोटिंग इज इक्वल टू सॉफ्ट, ये मैंने आई गेस सॉफ्ट ठीक ही लिखो, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म गलत किया, ठीक हो गया, ये मैंने इस तरह कर लिया। ठीक हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैंने अब मैं इस पे दोबारा से प्रिडिक्ट वगैरह फिट और प्रिडिक्ट लगाना पड़ेगा। क्यों, तो CLF 1 और CLF 2 तो उसी तरह है, मुझे सिर्फ CLF 3 के लिए चाहिए अपडेट करना। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। मैं लिखता हूँ CLF 3 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे फिट करना है, मैं लिखता हूँ X, Y। ठीक हो गया, ओके ओ ये मैंने क्या किया, CLF, और यहाँ पे भी चेंज करना है, तो CLF 3 एंड दिस CLF 3 इसको भी करना है। ठीक हो गया, ये मेरे पास रन हो गया। ठीक है, इसको ये मैंने एक वोटिंग कर ली है इसमें, लेकिन इसमें एक फर्क है, जो हार्ड वोटिंग है वो किसकी बेस पे चलता है, वो प्रिडिक्शंस की बेस पे चलता है, यानी कि 3 में से अगर 2 ने कहा 1 1 और तीसरे ने कहा नहीं कि ये 0 क्लास है, तो चूंकि 2 ने 1 कह दिया तो वो उसको 1 मानकर चलेगा। ठीक हो गया ना, तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी की बेस पे चलता है जो सॉफ्ट है। अच्छा, तो मैं कहता हूँ CLF 1 को डॉट प्रिडिक्ट करो एक्स की बेस पे। ठीक है, ये मेरे प्रिडिक्ट करेगा, ये मेरे पास 0 1 1 इस तरह चलेगा, लेकिन सॉफ्ट मैक्स भी क्या होता है, वो लेता है प्रिडिक्ट प्रोबे प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी को, शॉर्ट फॉर्म में प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबे उन्होंने नाम दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको मैं अभी रन करता हूँ, तो इसमें आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ गया। इसका क्या मतलब है, मिसाल तौर पे मैं आपको 2 क्लासे देता हूँ अपने कंप्यूटर को, एक देता हूँ उसे पोलर बियर की पिक्चर या किसी भी बियर की पिक्चर, और एक देता हूँ मैं उसे डॉग की पिक्चर। ठीक है, 2 पिक्चर्स मैंने उसे दे दी, जब मैं उसे 2 पिक्चर्स पकड़ाऊंगा तो डॉग की पिक्चर को देखेगा, कहेगा हाँ ये डॉग की पिक्चर मुझे 70% या 75% डॉग की तरह नजर आ रही है। ठीक है, और जब वो पोलर बियर की पिक्चर देखेगा वो कहेगा हाँ ये मुझे 25% जो है डॉग की तरह नजर आ रही है। क्यों, क्योंकि पोलर बियर के पास भी उसका कान होते हैं, उसी तरह की नोज होती है, बाकी आईज भी तकरीबन थोड़ी थोड़ी मिलती होती है, तो थोड़ा थोड़े फीचर्स उसके मिलने होते हैं, तो वो उसको कहता है कि 25% ये मुझे पोलर बियर भी मुझे डॉग लग रहा है। तो ये चीज होती है प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी। तो ये किस जो सॉफ्ट वोटिंग है वो वोटिंग उसकी जो है वो प्रिडिक्शन 1 या 0 की बेस नहीं होती, वो प्रोबेबिलिटीज देखता है कि इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी, अच्छा इससे इसको इतनी प्रोबेबिलिटी क्या, इससे भी इसको ज्यादा क्या, हाँ इनकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों की ऐड करो जिसकी ज्यादा आएगी, लाइक मिसाल तौर पर 3 है ना, एक कह रहा है कि मुझे भी 75% लग रही है, दूसरा भी मुझे कह रहा है कि ये 75% लग रही है, और लाइक और जो तीसरा है वो कह रहा है कि नहीं मुझे ये वाला कम लग रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी को अपनी बेस बनाता है, बस ये सिंपल है।
ठीक है, ये बस आपको मैंने एक थोड़ा इंटरनल बात बताई कि ये किस तरह इंटरनली चल रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। ये जो सॉफ्ट वोटिंग है ये प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी की बेस पे वोटिंग लेयर है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने उसको वेट्स भी असाइन कर दिया। अच्छा, अब मैंने आपको एक ग्राफ इसमें दिखाने, फिलहाल उसकी कोडिंग तो हो ना करे, कोडिंग हम उसकी देखेंगे, लेकिन पहले आप मेरे आंसर्स पे, जो मैं आपको उसको ग्राफ को समझाऊं, पहले आपने उसको समझना है, ठीक है। कोडिंग पे बाद में फोकस करें। अच्छा, तो ये मैं अभी ले आया हूँ ये कोड, इस कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा कोड है। मैं फिलहाल इसको यहाँ पर यूज कर लूँ, फिर हम इस पे जाते हैं। मैं कह दूँ कोई मेक प्लॉट्स ओके एंड डू दिस, प्लॉटिंग करूंगी। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा आप इस पे फोकस करें। हमारे पास ये था ओरिजिनल डेटा, ठीक है। ये मैं आपको ऊपर दिखाया भी है, जिन्होंने सिर्फ, मैंने आपको याद है ओरिजिनल डेटा पे थोड़ा मैंने इसको, इसका साइज बड़ा कर दिया था, इसके एजेस पे मैंने सिल्वर कलर करवा दिया था ताकि थोड़ा रिफाइन नजर आए, ठीक है। ये वही डेटा है, सिर्फ बस इसका साइज छोटा है, एस इसका 5 है, बाकी ये वही है। अब यहाँ पर देखें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या हो रहा है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपको पता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक लाइन बनाता है सिग्मोइड की बेस पे। हमने पढ़ा था कि सिग्मोइड एक लाइन बनाता है, उस लाइन से ऊपर जो होगा 1 क्लास, उससे नीचे होगा वो 0 क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर भी उसने क्या किया, ये जो 1 वाली जगह है ना, या ये वाली 0.5 वाली जगह, इधर देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे एक लाइन लगा दिया। अब इससे ऊपर जो जा रहा है वो येलो वाली क्लास है, जो इससे नीचे जा रहा है पर्पल में। जैसे अब यहाँ पर जो मैंने आपको प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी वाली बात दी थी, इस वाली पॉइंट को देखेगा, इसमें इसको 70% पर्पल दिया हुआ है, 30% येलो दिया हुआ है मिसाल के तौर पर, तो ये इसको पर्पल मान के चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हल्की हल्की लाइट ग्रीन है, इसको ये क्या मानेगा, ये कहेगा कि भाई ये 70% येलो और 30% पर्पल गुजरा हुआ है, तो ये इसको येलो में मान लेगा। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इसने एक्यूरेसी कम आ रही थी, क्यों, क्योंकि उसने बस एक सिंपल लाइन खींच दी होगा, इससे ऊपर येलो इससे नीचे है। जबकि KNN का आपको पता है KNN किस तरह काम करता है। KNN में देखें हमारे पास इस तरह होता है कि जो हमारे पास बेसिकली वो क्लस्टर्स की बेस पे चलता है, यानी नंबर ऑफ नेबर्स की बेस में। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम हमारी एक जो 5 hours वीडियो पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके। तो ये उसने ये नेबर्स ले लिए, ये नेबर्स ले लिए, यहाँ से वो नेबर्स की बेस पे चल रहा है। तो यहाँ पे इसके प्रिडिक्शन रिजल्ट थोड़े बेहतर आ रहे थे। तो और हमने वोटिंग क्लासिफायर को भी कहा था भाई कि तुमने क्या करना है, इसने वोटिंग क्लासिफायर ने क्या किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी फीचर ले लिया लाइन लगाने वाला, और KNN का भी वो ग्रुपिंग वाला है, यानी एक मिक्स किस्म का क्लासिफायर, उनके रिजल्ट को आपस में मर्ज कर दिए। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। समटाइम्स हमारे पास एल्गोरिथम्स के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे हो, हम उनको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट वेज टू यू नो इंक्रीज दी एक्यूरेसी। तो हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो अब आप लोग इस पे समझ गए होंगे कि ये हमारे पास किस तरह कैसे चलते हैं। अब मैं आपको इस प्लॉट मेक प्लॉट वाला फंक्शन जो बनाया गया ये मैं समझाता हूँ। ये देखें लिखा हुआ है मेक प्लॉट। अब मैंने सबसे पहले कहा कि जी मेरा जो PLT फिगर साइज है उसकी जो चौड़ाई है वो 16 हो, लंबाई जो है वो 4 हो। तो आप देखें यहाँ पर, ये तकरीबन आप चाहे तो खुद भी एंची टेप लेके भी चेक कर सकते हैं कि ये 16 है, इससे सही आ रहा है बिल्कुल। चेक करने की जरूरत नहीं, ऐसे में बता रहा हूँ। अब ये देखें लिखा है सब प्लॉट 141। 141 का क्या मतलब है, ये जो पहला वन है ना, इसका मतलब है कि रो। इसमें आप बताएं मेरे पास इस जो प्लॉटिंग हुई है इसमें कितनी रोज हैं, इसमें एक ही रो है, जस्ट वी हैव वन रो, ठीक हो गया। और रो तो हमारे पास 1 होगी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए हमारे पास कॉलम्स कितने, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ठीक है। ये बेसिकली हर जो बॉक्स है उसके लिए अलग कॉलम डिफाइन करता है। मैंने कहा कि पहली रो रखो, उसमें 4 कॉलम हो, और तीसरी क्या चीज है, ये आप लोगों को असाइनमेंट दे दूँ। हाँ, ये आप बल्कि असाइनमेंट का क्या, ये बहुत ही सिंपल है कि ये पहले नंबर पे रखो। फिर मैंने कहा कि पहली रो हो, चौथा कॉलम हो, और इसको दूसरे नंबर, फिर मैं कह रहा हूँ पहली रो हो और मतलब 4 टोटल कॉलम्स हो, ये वैसे फिर से बार बार बता रहा हूँ, और उसमें से तुमने इसको तीसरे वाला देना है, और पहली रो हो 4 कॉलम्स इन टोटल, और इसको चौथे वाला। अगर आप यहाँ पे 5 लिख देंगे तो 5 तो गलत होगा, जितने आपके आपके मैक्सिमम कॉलम्स हैं आपने उधर से बताना है कि इसको चौथे में पहले वाला दो, इसको चौथे में दूसरे वाला दो, इसको चौथे में तीसरे, यानी देखें ये कह रहे हैं
कि पहली रो में चौथा कॉलम और पहला डब्बा, फिर पहली रो में चौथा कॉलम और दूसरा डब्बा, फिर पहली रो में चौथा कॉलम और तीसरा डब्बा, फिर पहली रो में चौथा कॉलम और चौथा डब्बा। तो इसमें क्या पड़ा है, वोटिंग क्लासिफायर। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा कि जी स्कैटर प्लॉट बनाओ, एक्स का पहले 0 लो, फिर 1 लो, फिर कलर कर दो वाई की बेस पर, एस एस का 5 कर दो, ठीक है। फिर मैंने इसको वही कहा, और यहाँ पर आप देखिए मैंने किस बेस पे प्लॉट बनाया। मैंने कहा कि नहीं, जो प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी है तुम उसकी बेस पे प्लॉट बनाओ। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट मैक्स इस पे चल रहा होता है इंटरनली। अगर मैं ऊपर वोटिंग हॉट करूं और नीचे ये प्लॉट बनाऊं तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे मैसेज देगा क्या कि प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी सॉफ्ट वोटिंग हो तब आप लाइक इसके साथ उसको यूज कर सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जो प्रिडिक्शंस है उसको तुम कलर कर दो, मतलब जहां पर तुम मानते हो कि येलो क्लास है उसको तुम येलो दो, जो प्रिडिक्शन रिजल्ट्स है वो बताओ। तो यहाँ पर अब कलर किस बेस पे हुआ, प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स की बेस पे, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया, और फिर ये वही मेरे पास बार बार चल रहा है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको आप दोबारा गौर से देखिए। देखिए मैंने क्या किया, सिंपली लॉजिस्टिक रिग्रेशन KNN, और फिर इसमें कहा कि आप 1% फोकस करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, और 4 फोकस करें KNN पे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ऐसे आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही सिंपल है, आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ओके सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।